फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है हिंडवारो स्वीट। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा नया तरीका, स्वादिष्ट साग बनाने का तरीका लेकर आए हैं। इसे एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे। तो चलिए, बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन प्रेस कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पर शेयर करें और मेरे कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर बताएं आपको हमारा ये तरीका कैसा पसंद आया है या नहीं। तो चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बनने वाले हैं लहसुए का साग। तो लहसुए का साग बनाने के लिए हम लहसुए का साग ले आए हैं। लहसुए का साग अब आपको हम दिखाएंगे कैसा होता है। इस तरह का होता है और ये लाल लाल सा फूल आ रहा है इस पे। ये खेत में बुआ रहता है तो इसे बनाने के लिए हम इसको पहले सफा कर लेंगे। यहाँ पर इसके फूल तोड़ देंगे सभी के। तो हम यहाँ पे मैंने लहसुए के साग को, लाल फूल के साग को सफा कर लिया है और ये रहे इसका बीज, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सफा कर लिया है। अब हम इसको चीरेंगे, काटेंगे चक्कू की मदद से। तो यहाँ पे मैंने साग को बारीक बारीक चीर लिया है, इसको काट लिया है चक्कू की मदद से। अब हम इसको धो लेंगे, फिर इसको पतली में धर के नमक डाल के, हरी मिर्च डाल के, हींग डाल के रख देंगे बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अब इसको धो लिया है। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने साग को कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, इनको यूं ही डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पे ये 1 चम्मच के करीब नमक ले लिया, इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी ले लिया और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी और इसको ढक्कन लगा के हम गैस पे धर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको गैस पे धर देंगे, उसमें 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, उसमें 4 से 5 सीटी लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे साग में हमने 5 सीटी लगा ली है पूरी और उसको ठंडा होने रख दिया था। और अब हम कुकर को ढकना उगाड़ के इसको घोटने से घोट लेंगे। तो देखिए हमारा साग इस तरह से हो चुका है। अब हम इसे घोटने की मदद से चारों तरफ चला के घोट लेंगे अच्छे से और फिर इसको इसमें आटा डालेंगे। तो पहले इसको अच्छे से घोट लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने साग को घोट लिया इस तरह से। अब मैं आटा लेंगी, मैंने ये आटा लिया है, इसको अब हम घोल लेंगे पानी में। ये 2 मुट्ठी आटा लिया है मैंने और अब इसको हम अच्छे से पानी में घोल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा आटे में थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसको साग में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने साग कुकर में रख दिया और इसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और घोट लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके सभी को डाल देंगे और घोट देंगे अच्छे से, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से। मिक्स कर दिया अब हमने इसको। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से घुमा के अच्छे से खुदक खदकने देंगे। जब हमारे इसमें खदक लग जाएगा अच्छे से, जब हम इसको उतार लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसमें 1/2 चम्मच हींग लिया, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसको अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च ले ली, उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। और उसको 1 मिनट के लिए खदक नहीं देंगे अच्छे से। और हमारा यहाँ पे साग ऐसे का बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा खदकने देंगे। तो यहाँ पे खदक उठने लगा है और हमने यहाँ पे इसको अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से खदक कर लिया है। और अब हम इसको छोंकने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम इसको छोंकने के लिए लेंगे तेल, टमाटर, जीरा और इसको अच्छे से उसमें छोंक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है साग को छोंकने के लिए, इसको हम गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम तेल डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। यहाँ पे फिर इसमें जीरा डाल देंगे छोंक के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल देंगे, उसको ब्राउन कलर तक अच्छे से भुनने देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर काट लिया, इसको डाल देंगे हम जीरा ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर हमारा जीरा ब्राउन कलर का हो चुका है, इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर टमाटर को अच्छे से भून लेंगे इसमें।
यहाँ पर हमारा टमाटर अच्छे से भुन चुका है, इसमें साग डाल देंगे सभी को। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया साग को सभी को, और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से खदकने देंगे, और यहाँ पर हमारा साग बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अब अच्छे से खदकने देंगे 2 मिनट तक, इसी तरह से छोड़ देंगे और बीच में चलाते रहेंगे 1 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमारा 2 मिनट हो चुका है इसको चलाते चलाते, और यहाँ पे हमारा इस सेवे का साग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको हम सर्व कर लेंगे खाने के लिए। तो चलिए हमारे फ्रेंड्स, अब गर्म गर्म साग बनकर तैयार है। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे गर्म गर्म साग को सर्व कर दिया है। और तो फ्रेंड्स, साग बनाने की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पर शेयर करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको हमारा तरीका या कैसा लगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटे का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नई नई तरीका रेसिपी आपके लिए हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंडवाड़ा रसोई से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।